हर्पीस सिफिलिस कैसे फैलता है। आज के समय घर घर में हर्पीस सिफिलिस के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं और आने वाले हर 10 साल के अंदर मुझे ऐसा लगता है जिस हिसाब से लोग सेक्स करने के लिए और अनजान कहीं भी मुंह मार रहे हैं या सही तरीके से मार्केट में जो भी जब मार्केट में जाते हैं या अनजान टॉयलेट पे सीधा बैठ जाते हैं वेस्टर्न टॉयलेट पे या ऐसे पेशेंट के साथ लक्षणों के ऊपर किस वगैरह कर लें या उनके कपड़े पहन लिया उनके साथ छू ले जाओ उनके लक्षण है उनका मवाद आपको लग जाए तो ऐसे आराम से हर्पीस सिफिलिस फैल रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकुल शर्मा। बात करेंगे सिर्फ हर्पीस सिफिलिस कैसे फैलता है और इस बारे में जिसे आप बच सको आने वाले खतरे से और उसका परमानेंट इलाज कैसे आप प्राप्त कर सको क्योंकि एलोपैथ में इसका कोई भी इलाज नहीं है। तो हम बात करेंगे कि हर्पीस सिफिलिस कैसे फैल रहा है और हर घर घर में कैसे पहुंच रहा है क्योंकि गलतियां हमारी ही हैं, उसके लिए हमें सजग रहना है। बाकी हम लक्षण के लिए वीडियो डाल देते हैं, ट्रीटमेंट के लिए, हर चीज़ के लिए हम वीडियो डाल देते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डिटेल में नॉलेज और भी चाहिए आपको ट्रीटमेंट से संबंधित तो हमारे जो डॉक्टर्स की स्पेशलिस्ट टीम है उनके लिए आपको नंबर दिए गए हैं चैनल पर, आप उनसे बात कर सकते हैं जिनसे आप आराम से अपने ट्रीटमेंट के लिए जानकारी ले पाएं। तो दोस्तों, हर्पीस सिफिलिस आज के समय सबसे बड़ा रोग बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका इलाज मिल नहीं रहा है लोगों को और वो फैलता जा रहा है घर घर में और पूरे परिवार को पूरी तरीके से खराब कर रहा है। अगर आपको कोई लक्षण नहीं है, यानी आपके कोई फफोले नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसे में आप जल्दी सी किसी को हर्पीस सिफिलिस फैला नहीं पाओगे, ठीक है। हाँ, लेकिन सेक्स करने से आप फैला सकते हो, वहाँ आपको सेक्स करने से फैला सकते हो, इसलिए वहाँ आपको प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और कोशिश करें वो भी ना करें, उससे भी हो सकता है अगर कहीं छोटा मोटा आपको फफोला वाल का सा आपको ध्यान नहीं पड़ा, ठीक है, समझो ना। अगर आपके मुंह पे छाले हैं हर्पीस के सिफिलिस के और आपने उसके मतलब आपको किसी ने किस कर लिया वहाँ, आपको वहाँ किसी ने नॉर्मली कर लिया और उसका आप, तो वहाँ भी आपको ट्रांसफ़र होने के चांसेस है। ज़रूरी नहीं है आपने सेक्स किया है, ठीक है, डायरेक्टली। एक तो सेक्स करने से, इसका नाम ही STD बीमारी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, तो सेक्स करने से तो ये फैलता है, विदाउट सेक्स फैलता है कैसे, जेनेटल हर्पीस टू होता है और हर्पीस वन, तो ये ऐसे फैल सकता है और हर्पीस टू भी ऐसे फैल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हर्पीस टू कैसे फैल सकता है, जैसे कि आपने कोई वेस्टर्न टॉयलेट यूज किया और वहीं उससे पहले वेस्टर्न टॉयलेट किसी ने हर्पीस टू वाले ने, जेनेटल हर्पीस वाले ने यूज किया हो, तो भी चांसेस हो जाते हैं कि आपको हर्पीस फैल सकता है उसका, ठीक है, समझ गए ना। वेस्टर्न टॉयलेट यूज करने से, ठीक है, साथ बैठ के खाना खा रहे हो और अगर समझ उनका आपके लक्षण और चेंज हो रहे हैं तो भी ये बीमारी फैल सकती है, साथ सोने से भी फैल सकती है। ये तो HIV की तरह नहीं है कि साथ सोने से नहीं फैलेगी, साथ बैठने से नहीं फैलेगी, ये आप साथ में चिपक रहे हो तो भी फैल सकती है, साथ में हाथ से हाथ मिला रहे हो और हाथ पर लक्षण है तो भी फैल सकती है, गले मिल रहे हो तो भी फैल सकती है अगर उनका लक्षण आ रहे हैं तो। लक्षण नहीं है, कोई भी सिम्टम नहीं है शरीर के ऊपर तो कोई चांस नहीं बनता है जल्दी सी, ठीक है, लेकिन सिम्टम आ रहे हैं तो, और हम जल्दी सी ध्यान नहीं देते हैं नॉर्मल किसी भी इंसान के फेस पे हल्के फुल्के दाने हैं हाथों में या कहीं भी कमर पे गर्दन, तो वो आदमी जल्दी से ध्यान नहीं देता है कि हर्पीस का ही होगा क्या, हम मिला लेते हैं कि नॉर्मल गर्मी का होगा। लेकिन आज के समय हर्पीस सिफिलिस के आराम से मिल जाते हैं, लेकिन लक्षण सिर्फ दाने ही नहीं होते हैं, कमर दर्द भी होता है, गर्दन दर्द भी होती है, घुटने के दर्द भी होते हैं, जॉइंट्स पेन, पूरा शरीर दर्द करना, ये भी लक्षणों में ही आता है हर्पीस सिफिलिस के, आराम से आता है। और इसके बहुत ज़्यादा लक्षण होते हैं अलग अलग सिर्फ फफोलों के अलावा, तो उसके लिए भी डेडिकेटेड वीडियो आपको दी गई है चैनल पर, आप जाकर देखिए। अगर आपको और चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए, आपको और नॉलेज चाहिए तो हमें आप कमेंट करिए, हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, और आपको और ट्रीटमेंट के लिए जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल करिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब, जिससे आपके लिए और नॉलेजेबल वीडियो मिल सकें। मिलते हैं एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।